नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब जगह बारिश हो रही है इस समय, बारिश का टाइम है, पूरा इस समय बाढ़ आई हुई है देशों में, हमारे देश में भी, बाहर भी यही हाल है। तो एक चीज़ मैं ये कहूँगी आप लोगों से कि कभी भी किसी की तुलना किसी से ना करें। कंपैरिजन, ये जो वर्ड है, क्या होता है, हम पेरेंट्स क्या करते हैं कि एक बच्चा जो दूसरा बच्चा अगर होशियार है, हम क्या करते हैं, हम अपने बच्चों को बोलना शुरू कर देते हैं कि ये बच्चा ऐसे है, तुमने क्यों नहीं किया। अगर सपोज़ वो बच्चा डांस में अच्छा है और हमारा बच्चा डांस में नहीं अच्छा है, हम क्या करेंगे, अरे करो ना डांस, अरे करो ना, वो कर रहे हैं ना, वो करो ना, चाहे उस बच्चे का मन है चाहे नहीं है। अगर वो बच्चा ड्राइंग में अच्छा है तो आप उसकी तुलना करोगे, वेल डिसिप्लिन है उसकी तुलना करोगे, अच्छा गुड बिहेवियर है उसकी कंपैरिजन तुलना करोगे। ये हमें नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, बच्चे के अंदर हीन भावना आ जाती है अंदर से, ये मेरी मम्मी मेरे पापा मेरे बारे में ही क्यों गलत सोचते हैं, उस मेरे जो फ्रेंड है या मेरा जो दोस्त है उसके बारे में क्यों इतना सोचते हैं, मैं जो हूँ मेरे बारे में बात करूँ उसके बारे में नहीं। मेरे अंदर भी कोई हॉबी होगी, मेरे अंदर भी कोई अच्छाई होगी, मेरी अच्छाई को क्यों नहीं बोलते हैं, दूसरे की क्यों करते हैं। ये जो तुलना होती है इससे क्या होता है, बच्चों का मॉरल डाउन होता है, डाउन होने से अंदर से उनको बहुत इरिटेशन होता है, पेरेंट्स के ऊपर गुस्सा होता है। इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है, बच्चे और पेरेंट्स में डिस्टेंस हो जाता है, जो नहीं होना चाहिए। अंदर ही अंदर बच्चा सोचता रहता है कि मेरे में क्या कमी है जो दूसरों में मेरे पेरेंट्स ढूंढते हैं। ये जो पॉइंट है, ये आप हमेशा ध्यान रखिए, अपने किसी बच्चे की तुलना कंपैरिजन किसी और बच्चे से मत करिए। सब बच्चे एक से नहीं होते हैं, किसी के अंदर कोई अच्छाई है, किसी के अंदर कोई अच्छाई है, इस चीज़ को हमें एक्सेप्ट करना है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।